करेंगे ना तो सक्सेस आनी ही आनी है आपको, आनी ही आनी है। लेकिन अगर आप सक्सेस की तरफ जाओगे ना तो इट्स अ हिट एंड मिस, वो होगा नहीं होगा उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर आप काम अच्छा करोगे ना, दिल से करोगे और अपनी पूरी जी और जान से और पैशनेटली करोगे, रूह ले आओगे उस काम में, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड सक्सेस। तो आई ऑलवेज से वर्क टुवर्ड्स एक्सेलेंस, सक्सेस विल फॉलो। सर क्या विश्वम बोर्ड जॉब इंस्टीट्यूट है वो सभी रिसोर्सेज से हेल्प कर रही है स्टूडेंट को एक फ्यूचर सिक्योर जॉब प्रोवाइड करने के लिए, एक फ्यूचर करियर, एक सिक्योर करियर बनाने के लिए? इसी मिसली मूड से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम उनको सब गुरुजनों से मिला सकते हैं, जो गुरुजनों की विद्या है, उनका जो एक्सपीरियंस है, टीचर्स की विद्या है। सीखना तो स्टूडेंट्स के हाथ में होता है, तो स्टूडेंट्स को हम एटमॉस्फेयर देते हैं, उसको हम प्रेरणा देते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, और जितनी भी फैसिलिटीज हो सकते हैं, आर्टिस्टिकली हों या टेक्निकली हों, जैसे हम कहा सोल्फुल, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। और हमें खुशी होती है कि जब इस तरह के सलीम सुलेमान और सलीम लाइन जैसे लोग आते हैं, बिकॉज ही कनेक्ट सो मच विद यूथ दैट टुडे वॉट एवर द वर्कशॉप हैपन यू कुड हैव सीन इट दैट दे वर कनेक्टिंग विद हिम सो मच दैट ही दे वर इंजॉइंग हिज ईच एंड एवरी लाइन बिकॉज ही इज अ गाय हु इज प्रेजेंट एंड हु ऑल्सो नोज अबाउट द पास्ट, हु नोज क्लासिकल म्यूजिक, हु नोज क्लासिकल वेस्टर्न, हु नोज टुडे सॉन्ग्स, टुमारो सॉन्ग, दैट इज वाई ही टॉक्ड अबाउट द म्यूजिक टुडे एंड टुमारो। और जो कनेक्शन है इनका इतना खूबसूरत रहा, तो आप ये शो नहीं था कि सलीम सलीमान का शो है, ये एक वर्कशॉप थी जिसमें स्टूडेंट्स को एक इनवैल्यूएबल आई थिंक एक टीचिंग मिली है और सीखने को मिला है जो उनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। और ये सब क्रेडिट जाता है हमारी इंडस्ट्री के दोस्तों को, ऐसे जो गुरुजन हैं, ऐसे जो आर्टिस्ट हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट ही केम। सर सॉन्ग के बारे में बताना चाहेंगे, मतलब जो पिछले पहले सॉन्ग्स जो हुआ करते थे काफ़ी ड्रामेटिक हुआ, काफ़ी टची हुआ करते थे, लेकिन आज के जो सॉन्ग्स की बात करें तो काफ़ी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन फिर भी वो जो आशा जी के माता आशा जी लता मंगेशकर के टाइम जो सॉन्ग्स थे उतने उस कंपेरेबल नहीं हो पाए। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वो कितने साल पहले की बात कर रहे हैं आप? 40 साल। हाँ, अब आज के जो गाने हैं वो आपको क्या पता कि वो 10-15 साल के बाद चलेंगे या ना चलेंगे। आज के जो गाने हैं ना, जो अच्छा आप शायद कहेंगे कि अरे बहुत ऐसे बहुत मामूली से गाने बन रहे हैं, वो बात नहीं है, वो रू नहीं है, वो टच नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको 15 साल बाद पता लगेगी। हमने जो गाने 10 साल पहले बनाए थे, जैसे चकदे हैं या आशाएँ, या आशाएँ हैं या ये हौसला है, आज तक वो गाने बज रहे हैं, तो आज उसकी तारीफ हो रही है, आज उसकी वो हो रही है कि हमारे जो आज के गाने हैं वो शायद लोगों को नहीं, जब वो लोग नहीं जानते, बट 5 साल बाद 7 साल बाद उसकी तारीफ होगी, उसकी अहमियत पता लगेगी लोगों को। तो ये हमेशा होता है। जब 1980s में 1960s की बात चल रही थी, 2000 में 1980s की बात चल रही थी, 2016 में 2000 की तारीफ हो रही है। तो यही होता है, जो गाने अमर है, जो गाने टाइमलेस हैं, जो गाने बहुत ही उसमें दर्द है, उसमें रूह है, वो हमेशा चलेंगे, लेकिन वो आज रिकग्नाइज नहीं होंगे, वो 10 साल बाद, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो, ये गाना जो है वो आज भी बज रहा है। ये 3 साल पहले आशिकी 2 का गाना है, और वो मैं आपको लिख के कह सकता हूँ कि ये 10 साल बाद भी गाना ये लोग सुनेंगे इसको। तो ऐसा नहीं है कि आज के गाने में वो दर्द नहीं है, वो पैशन नहीं है, वो इसकी अहमियत जो है, इसकी वैल्यू है, वो आपको 10-15 साल बाद ही पता लगेगा। थैंक यू, थैंक यू। एक सवाल और ये है कि म्यूजिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आवाज की वजह से लोग जाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों में
टकराव ये सब पता नहीं यार, ये मुझे तो एक ये सवाल आज हमारी इंडस्ट्री में इतने गाने बन रहे हैं, इतनी फिल्में बन रही है, सभी लोग इतने बिजी है, फिल्मों के अलावा इतने टेलीविजन शोज चल रहे हैं, माय गॉड इतने कमर्शियल्स हो रही है, इतनी टेलीविजन चैनल्स है, सब लोग इतने बिजी है, आप मानोगे नहीं, एवरी वन्स गॉट वर्क एंड देयर सो मच ऑफ इट। अब मुंबई शहर में जिसकी आबादी कुछ यू नो आई डोंट नो 17-18 मिलियन थी एक ज़माने में, वो 23 मिलियन हो गई, 24 मिलियन हो गई, और कहीं ना कहीं हद तक ये फिल्म इंडस्ट्री का ही इसमें योगदान है, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री अपनी इतनी बूम हो रही है, इतना काम हो रहा है, लोगों का टकराव की बात ही नहीं होती, दिस नोबडी हैज टाइम, एवरीवन इज वर्किंग डे एंड नाइट। मिसाल के तौर पर बोल दीजिए ना, अभी इतना आप कह रही हो तो मुझे तो पता ही नहीं है इसके बारे में, आप बोल दीजिए। रैपर सॉन्ग में जो लोग हैं, जिस वो जॉनर में जो रैप्स जो है, हाँ तो रैप में क्या प्रॉब्लम क्या है, रैप में वो एक अपना जॉनर है, उसमें क्या, वो तो अभी अभी कव्वाली है, रैप है, हां इसमें मतलब सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे होड़ सी लगी हुई है एक जॉनर में जो गाने गाए जा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, रिप्लेस अभी देखिए ये जो स्टाइल है ना, ये रैप का जो स्टाइल है वो इट्स अ जॉनर बाय इटसेल्फ, उसकी अपनी एक बुनियाद है, अपनी उसकी एक पहचान है, और जैसे हॉलीवुड में भी अमेरिका में भी जो है वहाँ पे पॉप रॉक गाने बनते हैं, वहाँ पे रैप सॉन्ग्स बनते हैं, वैसे यहाँ पे भी जो है रैप इट्स गिविंग द पावर टू द पीपल, कुछ कुछ लोग यू नो रैप पसंद करते हैं क्योंकि उसमें जो उसका एक एटीट्यूड है, जो रैपर एक अपने अपने पेन अपने स्ट्रगल्स के थ्रू कुछ कहना चाहते हैं, अपने रैप के थ्रू वो अपने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कहता है, अपने लाइफस्टाइल के बारे में कहता है, लोग इसको पसंद करते हैं, यू नो एक लड़की की ब्यूटी के बारे में कहते हैं, तेरा ब्राउन रंग है, ये है वो है जो भी है, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टाइल, इट्स अ डिफरेंट एलिमेंट। हाँ वो मैं ये सिर्फ कह सकता हूँ कि यू नो म्यूज़िक टाइमलेस म्यूज़िक जो है वो हमेशा टाइमलेस रहेगा, क्लासिकल म्यूजिक जैसे है तब से चलते आ रहा है, आई डोंट नो 1700-1800 वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक इज लाइक 15th century से चलते आ रहा है, यू नो आज भी क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स उतनी ही पावर पैक जाते जितने तब होते थे, आज भी वो कायम है, उसी ज़माने में जो बड़े मुल्क गुलाम अली रविशंकर जी जो जो म्यूज़िक करके गए, आज भी सितार के कॉन्सर्ट्स यू नो जो आर्टिस्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन जी है उनके आज भी उतने कॉन्सर्ट्स उतने ही फुल, वो ही सच अ बिजी आर्टिस्ट, तो जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो हमेशा कायम रहेगा, फिर रॉक पॉप यू नो अगेन जैज़ म्यूज़िक इज समथिंग विच विल गो ऑन फ्रॉम देन इट्स स्टिल गोइंग ऑन। हाँ कुछ कुछ चेंजेस हो गए क्लासिकल म्यूज़िक में भी, कुछ कुछ चेंजेस हो गए, प्रेजेंटेशन चेंजेस हो गए, लेकिन रैप और ये सब जो जॉनर्स हैं वो आएंगे जाएंगे, डबस्टेप है आएगा जाएगा, यू नो दैट्स EDM इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक आएगा जाएगा, इट्स टाइम बाउंड इट्स नॉट टाइमलेस। तो मैं सिर्फ ये मेरे आने वाले प्रोजेक्ट एक फिल्म है पूर्णा करके जो एक छोटी सी लड़की के ऊपर आधारित है, इट्स अ फिल्म अबाउट अ तेलंगाना गर्ल हु इज़ अ फर्स्ट इंडियन फर्स्ट एवर गर्ल इन द होल वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड शी इज़ अ 13-year-old गर्ल फ्रॉम तेलंगाना एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट फिल्म। मैं आजकल इसी बात पे काम कर रहा हूँ। अच्छा आइडिया दिया। थैंक यू।